बिसमिल्ल वरमान प्यारे बच्चो असल रही बरकत आप सब कैसे हो बच्चों उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अच्छी माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है तो चलिए आज हम इल्मरियाजी रियाजी की क्लास में आप सबका इस्तकबाल करते हैं खुश आमदीद मैं अर्शिया बेगम टी जी टी सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल हमीलापुर तालुका और जिला बिदर आपके पेशे खिदमत हूं तो बच्चों बताइए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल सही आज हम सातवीं जमात की इल्म रियाजी से ठोस अशकाल को मुस्विर करना जिसे हम इंग्लिश में विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स कहेंगे तो बच्चों आज हम देखते हैं इस सबक में जो अहम नुकात आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अहम नुकात है ठोस अच्काल को पहचानना इस सबक पढ़ने के बाद हमें ठोस अच्काल किसे कहते हैं मालूम हो जाएगा और हम इसमें ठोस अच्काल के रुख किनारे और रासों को पहचानेंगे और इसमें हम ठोस अच्काल के खाके या नेट बनाना सीखेंगे तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है एक गेंद दिखाई दे रही है इस गेंद से आपने खेला होगा ये गेंद शक्ल कैसी है बच्चों बिल्कुल सही ये गेंद की शक्ल कैसी है कुर्रे जैसी है बच्चों अब यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर आपको एक आइसक्रीम की शक्ल दिखाई दे रही है बच्चों क्या आप बता सकते हो इसकी आइसक्रीम की शक्ल कैसी है बिल्कुल सही इस आइसक्रीम की शक्ल कैसी है बच्चों मखरूज जैसी है तो चलिए अब हम देखते हैं अशकाल की किस्में कितनी है अशकाल की कितनी किस्में हैं बच्चों अशकाल की दो किस्में होती हैं तो दो किस्में कौन कौन सी हैं बच्चों दो किस्में मुस्तवी अशकाल और ठोस अशकाल तो बच्चों अब हम यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने एक शकल आपको दिखाई दे रही है ये शक्ल किसकी है बच्चों ये शक्ल मुस्ततील की शक्ल है ये मुस्तील हम हमवार सतह पर आसानी से उतार सकते हैं इसमें चार नुखात होते हैं और चार जिले होते हैं ये शक्ल दो आबादी होती है यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई होती है तो यहाँ पर देखिए बच्चों इस शक्ल में कितने आबाद हैं दो आबाद हैं एक लंबाई और एक चौड़ाई तो ऐसी अशकाल जो हमारे सतह पर आसानी से उतार सकते हैं और जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों मुस्तवी अशकाल कहते हैं तो चलिए हम मुस्तवी अशकाल की तारीफ़ देखते हैं मुस्तवी अशकाल की तारीफ़ ऐसी शक्लें जो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रखती हैं, इनको हम दो आबादी अशकाल या टू डी शेप्स या मुस्तवी अशकाल कहते हैं इसे बच्चों हम दो आबादी अशकाल क्यों कहते हैं इसमें सिर्फ दो आबाद होते हैं इसीलिए हम इसे दो आबादी अशकाल कहते हैं टू डायमेंशन टू डी शेप्स यानी कि टू डायमेंशन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या आप बता सकते हैं मुस्तवी अशकाल की मिसालें कौन कौन सी हो सकती है तो यहाँ पर देखिए बच्चों मुस्ततील मुस्ततील क्या है मुस्तवी शक्ल की मिसाल है मुसलिस मुसलिस भी मुस्तवी यशकाल की मिसाल है इसमें भी यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको मुरब्बा मुरब्बा भी मुस्तवी अशकाल की एक मिसाल है इसमें भी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है यहाँ पर देखिए बच्चों ये क्या है दायरा है दायरा भी मुस्तवी यशकाल की मिसाल है यहाँ पर देखिए यहाँ पर और एक शक्ल है ये कौन सी शक्ल है बच्चों मुखम्मस की शक्ल है मुखम्मस भी मुस्तवी अशकाल की मिसाल है और जौरबतल अजला जौरबतल अजला भी मुस्तवी अशकाल की मिसालें हैं ये तमाम शक्लें जो आपको दिखाई दे रही हैं वो किसकी मिसाले हैं बच्चों मुस्तवी अशकाल की मिसालें हैं हम इसे पेन लेकर पेपर पे आसानी से उतार सकते हैं यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर आपको एक शक्ल दिखाई दे रही है ये शक्ल हमने मुस्तवी अशकाल को जोड़कर बनाया है यहाँ पर देखिए इसमें कितने रुख नजर आ रहे हैं बच्चों इसमें छः रुख नजर आते हैं बच्चों इसमें छः हिस्से हैं हमने छः मुस्ततील को जोड़कर क्या बनाया है एक शक्ल बनाई है इसमें कितने एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है और, और ये शक्ल जगह घेरती है तो ऐसी अशकाल जो जगह घेरती है और जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है ऐसी अशकाल को हम क्या कहते हैं बच्चों ठोस अशकाल कहते हैं तो चलिए ठोस अशकाल की तारीफ देखते हैं ठोस अशकाल की तारीफ ऐसी अशकाल जिनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है से आबादी अशकाल या ठोस अशकाल या थ्री डी शेप्स कहलाते हैं बच्चों से आबादी अशकाल क्यों कह रहे हैं हम इसे से आबादी अशकाल यानी के इसमें कितने आबाद होते हैं ठोस अश्काल में तीन आबाद होते हैं एक लंबाई एक चौड़ाई और एक ऊंचाई यहां पर अब हम देखते हैं बच्चों ठोस अशकाल में मिसालें ठोस अश्काल की मिसालें मिसाले कौन कौन सी हैं? यहां पर देखिए मुकाबनुमा मुकाबनुमा किसकी मिसाल है बच्चों? ठोस अक्ल की मिसाल है और ये कुर्रा और ये मखरूत और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है बच्चों इस्तेवाना और ये हरम और ये मुकाब यहां पर देखिए बच्चों यहां पर जितनी भी शक्लें दिखाई दे रही हैं आपको ये ठोस शक्लें हैं इसमें थ्री डायमेंशन से आबादी शक्लें हैं इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है हम हम यहां पर देखेंगे कि मुस्तवी अशकाल को जोड़कर हमने ठोस अशकाल बनाई हैं मुस्तवी अशकाल कई मुस्तवी अशकाल लेकर उसे जब हम जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है यहां पर ठोस अशकाल बनते हैं यहां देखिए ये मुकाबनुमा की शक्ल है हम मुकाबनमा में अब देखेंगे रुख यानी कि फेसेस कितने हैं किनारे एजेस और राशें देखेंगे तो यहां पर हम पहले देखेंगे फेस या रुख किसे कहते हैं आपको पता है हम किसी चीज का जब चेहरा देखते हैं किसी चीज का चेहरा उसे हम कहते हैं रुख वो चीज का तो यहां पर देखिए मुकाबनुमा में ये पीछे वाला एक रुख सामने वाला एक रुख दो रुख ये बाजू वाला एक रुख और यहां पर बाजू वाला एक रुख तीन चार रुख और ऊपर वाला एक रुख और नीचे वाला एक रुख तो जुमला एक मुकाबनुमा में कितने रुख हुए छः रुख होते हैं हम इसे एक माचिस की मिसाल लेकर भी देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये क्या है एक माचिस है ये माचिस का कैसा है एक मुकाबनुमा है ये ठोस शक्ल है तो यहाँ पर देखिए ये एक फेस ये दूसरा फेस यानी कि दूसरा रुख ये तीसरा रुख ये चौथा रुख ये पांचवा और ये छठा रुख तो एक माचिस एक मुकाबनुमा में कितने रुख होते हैं छह रुख होते हैं इसी तरह यहाँ पर देखिए एक फेस जब बनता है तो जो लाइनों को जोड़कर एक रुख बनता है उसे हम कहेंगे किनारा तो यहाँ पर ये एक किनारा ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह एक मुकाब नमा में कितने किनारे होते हैं बारह किनारे होते हैं यहाँ पर देखिए माचिस में ये एक दो तीन चार और यहाँ पर ये पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह एक माचिस में कितने बारह किनारे होते हैं अब हम देखेंगे इसमें रासे कितनी है ये मुकाबनुमा में जहां पर दो या दो से लाइने दो से ज्यादा लाइनें मिलती हैं उसे हम कहेंगे रासे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो एक मुकाबनुमा में कितनी रासे हैं आठ रासे हैं यहां पर देख सकते हैं आप एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ एक मुकाबला में कितनी राशे होते हैं आठ राशे होती हैं इसी तरह अब हम लेंगे एक ये देखिए ये बॉल की शक्ल कैसी है एक जैसी ये भी एक ठोस शक्ल है तो यहां पर ये बॉल के हम इसे किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से देखें ये इसका फेस इसका चेहरा है तो इसमें कितने हैं एक ही रुख है कितने रुख है एक रुख है और इसके कोई किनारे नहीं है और इसमें राशें भी नहीं है इसी तरह अब हम लेंगे एक सिलेंडर यानी कि एक इस्तेवाने की शक्ल लेंगे हम यहाँ पर देखिए जो आपको सेल दिखाई दे रहा है वो इसकी शक्ल कैसी है इस्तेवाने की जैसी है तो इसमें कितने रुख हैं एक और ये पीछे वाला एक दो रुख और जो ये पीछ का है वो एक रुख तो जुमला इसमें कितने रुख हैं तीन रुख है और इसमें किनारे कितने हैं ये एक किनारा और ये एक किनारा तो यहाँ पर इस्तेवाने में कितने किनारे होते हैं दो किनारे और इसमें रासे नहीं होती तो बच्चों आपने वीडियो देखी कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी आपको, रूख, में में अच्छी आपको रुख किनारे और आसों के बारे में समझ में आ गया चलिए बहुत अच्छी बात है आपको रुख किनारे और आंसु के बारे में समझ में आ गया तो अब यहां पर देखिए यहां पर आपको दो शक्लें दिखाई दे रही हैं। ये किसकी शक्लें हैं बच्चों एक पांसे की शक्ल है और एक रूब्रिक्स मुकाब की शक्ल है यहाँ पर देखिए आपने इससे खेला होगा ये आप बता सकते हैं ये कौन सी ठोस शक्ल की मिसाल है सोचिए बच्चों और बताइए सोचिए बिल्कुल सही ये किसकी मिसाल है मुकाब की मिसालें हैं ये पांसा और रूब्रिक्स किसके जैसे दिखाई देते हैं बच्चों मुकाब जैसे दिखाई देते हैं तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं इस मुकाब में मौजूद रूख किनारे और रासों की तेदाद किन कर बतलाएंगे यहां पर बच्चों आपको एक मैं मुकाब की शक्ल दिखाऊंगी वो मुकाब की शक्ल देखकर आप इसमें देखिए कितने रुख हैं एक दो तीन चार पाँच और ये एक छकाब में कितने रुख होते हैं बच्चों छे सामने वाला एक रुख पीछे वाला एक रुख ऊपर वाला एक दाएं नीचे वाला एक दाएं बाजू और बाएं बाजू एक मुकाब में कितने रुख होते हैं बिल्कुल सही कहा आपने एक मुकाब में कितने रुख होते हैं छ रुख होते हैं चलिए बच्चों अब बताइए इसमें किनारे कितने हैं यहाँ पर देखिए बच्चों जो एक रुख बनाने के लिए हम जो लाइनें जोड़ते हैं जो लाइनें जोड़कर एक रुख बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों किनारे कहते हैं यहां पर आपको हरी लाइने दिखाई दे रही है ये हरी लाइने क्या निशानदेही कर रहे हैं बच्चों किनारों की निशानदेही कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक मुकाब में कितने किनारे हैं गिनकर बतलाइए बच्चों बिल्कुल सही इसमें कितने किनारे हैं बारह किनारे हैं और यहाँ पर देखिए बच्चों अब यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लाइनें जहां पर जुड़ती हैं जो लाल कलर से आपको निशानदेही इसमें की गई है वो क्या है इसके रासे हैं तो आपको बता सकते हो बच्चों इसमें कितनी रासे हैं बताइए सोचिए देखिए और बताइए बिल्कुल सही इसमें कितनी रासे हैं आठ रासे हैं तो एक मुकाब में कितने रुख होते, है? होते हैं छह रुख होते हैं बारह किनारे होते हैं और आठ रासे होती हैं अब यहां पर देखिए बच्चों यहाँ पर और दो शक्लें आपको दिखाई दे रही हैं इस शक्लें किसकी है बच्चों क्या आप बता सकते हो बिल्कुल सही ये आइसक्रीम की और एक मूली की शक्ल है ये शक्लें ठोस अस्काल में किसकी जैसी दिखाई दे रही है बच्चों आपको बिल्कुल सही मखरूत के जैसी दिखाई दे रही हैं तो चलिए बच्चों अब हम मखरूत में मौजूद रुख किनारे और रासों को गिनकर कर बतलाएंगे यहाँ पर देखिए बच्चों ये किसकी शक्ल है मखरूत की शक्ल है अब हम देखेंगे मखरूत में रुख कितने हैं रुख और ये दूसरा रुख एक मखरूत में कितने रुख होते हैं बच्चों बिल्कुल सही एक मखरूत में दो रुख होते हैं और इसमें जो हरी लाइन आपको दिखाई दे रही है वो क्या है उसका किनारा है तो बताइए इसमें कितने किनारे हैं इसमें एक किनारा है बिल्कुल सही अब हम देखेंगे इसमें रासे कितनी हैं यहां पर देखिए इसमें कितनी रासे नजर आ रही है आपको लाल कलर की एक रास नजर आ रही है बिल्कुल सही जवाब हमने देखा कि मखरूत में रुख कितने होते हैं बच्चों दो रुख होते हैं और एक किनारा होता है और एक रास होती है तो चलिए बच्चों अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको और दो शक्लें नजर आ रही हैं। ये दो शक्लें किसकी हैं? एक बॉल की है और एक ग्लोब की है ये बॉल और ग्लोब की शक्ल किसके जैसी दिखाई दे रही है बच्चों कौन सी ठोस शक्ल है बिल्कुल सही जवाब ये कैसी है कुर्रे जैसी कुर्रे की जैसी है यहाँ पर देखिए बॉल और ग्लोब तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं कुर्रे में मौजूद रुख किनारे और रासों को यहां पर देखिए आप गिन कर दिखलाइए कुर्रे की शक्ल कैसी होती है बच्चों गोल होती है उसके सतह मुन्हनी सतह होती है उसमें एक ही रुख होता है मुन्हनी रुख होता है आप इसे किसी तरह से भी देखिए आपको एक ही रुख नजर आएगा तो यहां पर देखिए कुर्रे में रुख कितने हैं बिल्कुल सही एक रुख है और इसमें किनारे देखिए देखे बच्चों आपको कहीं पर किनारे नजर आ रहे हैं इसमें नहीं ना तो ये इसमें किनारे नहीं होते तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे इसमें सिफर किनारे कितने हैं बच्चों इसमें सिफर है और अब देखेंगे हम इसमें रासे कितनी हैं यहाँ पर देखिए रासे इसमें नहीं है तो इसे हम क्या लिखेंगे सिफर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक कुर्रे में सिर्फ एक मुन्नी सतह होती है इसमें किनारे भी नहीं होते और रास्ते भी नहीं होती यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर आपको और दो शक्लें दिखाई दे रही हैं। ये दो शक्लें किसकी हैं बच्चों एक ड्रम की है और एक सेल की है ये दोनों शक्लें बच्चों आपको कौन सी ठोस शक्ल की जैसी दिखाई दे रही है बिल्कुल सही ये हमें किसकी जैसी दिखाई दे रही है इस्तेवाने की जैसी दिखाई दे रही हैं। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं इस इस्तेवाने में मौजूद रुख रास और किनारों की तदाद चलिए बच्चों गिनकर बतलाइए यहाँ पर आपको एक इस्तेवाने की शक्ल दी गई है देखिए बच्चों ये इस्तेवाने को इसमें कितने रुख हैं? बिल्कुल सही इसमें कितने रुख हैं? एक इस्तेवाने में कितने रुख होते हैं बच्चों तीन रुख होते हैं अब हम देखेंगे इसमें किनारे कितने हैं यहां पर देखिए बच्चों इस इस्तेवाने में कितने किनारे हैं दो किनारे हैं एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला यहां पर देखिए इसमें कितने किनारे हैं दो किनारे हैं अब हम देखेंगे इसमें रासे कितनी हैं? बच्चों आपको इसमें रासे नजर आ रही हैं? नहीं ना तो हम इसमें क्या लिखेंगे रासे कितनी है बच्चों बिल्कुल सही इसमें कितनी राशे हैं सीफर तो आपने देखा एक इस्तेवाने में रुख कितने होते हैं तीन और किनारे कितने होते हैं दो और रासें कितनी होती है, है? सिफर तो चलिए बच्चों आपको यहां पर और दो शक्लें दिखाई दे रही हैं। ये किसकी शक्लें हैं बच्चों ये हरम की शक्ले हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने ये हरम की शक्ले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस हरम में मौजूद रुख रास और किनारों की तदाद चलिए बच्चों गिनकर बतलाइए एक दो तीन चार और ये पांच तो आपने देखा इसमें कितने रुख हैं? बिल्कुल सही जवाब इसमें हरम में कितने रुख होते हैं पांच रुख होते हैं तो चलिए आप इसमें देखिए किनारे कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ बिल्कुल सही जवाब इसमें कितने किनारे हैं बच्चों आठ किनारे होते हैं तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं रासें कितनी हैं एक दो तीन चार पांच तो बच्चों इसमें कितनी राशे हैं बिल्कुल सही कहा आपने इसमें पांच राशे हैं अब हम देखेंगे बच्चों सेवादी अशकाल को बनाने के लिए खाके नेट्स फॉर बिल्डिंग 3d शेप्स हम किसे कहते हैं नेट ठोस अशकाल का खाका किस तरह बनाया जाता है तो यहां पर देखिए बच्चों किसी ठोस शक्ल को सीधा फ्लैट या ओपन करते हैं तो इसको खाका या नेट कहते हैं बच्चों जब हम फर्ज कीजिए एक बॉक्स लेते हैं एक बॉक्स लेकर जब उसे हम खोलते हैं खोलने पर जो हमें दो तो आबादी शक्ष हासिल होती है उसे हम क्या कहेंगे उसका खाका कहेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए एक बॉक्स को लेकर हमने क्या करा है जोड़ा है यहाँ पर देखिए यह जो नजर आ रहा है ये क्या है इसका नेट है मुकाबलेगे और इसे खोलेंगे इसे नमूनोत्तन ऐसे ही रखेंगे और इसी तरह दूसरा मुकाबले कर हम इसे खोलते हैं हम इसे इसके किनारों से खोलेंगे और अब हम इसे खोल कर देखते हैं हमें क्या हासिल होता है हम ऊपर का रुख खोलेंगे और इसी के साथ हरा रुख सामने की तरफ खोलेंगे अब नारंगी और ऊदा रुख दाएं बाजू खोलते हैं अब जो बचे हुए रुख हैं इनमें से एक बाएं बाजू खोलेंगे और पिछला रुख पीछे की तरफ खोलेंगे अब यह शक्ल दो आबादी शक्ल की तरह दिखाई दे रही है मगर यह है क्या इसे क्या कहते हैं इसे ठोस शक्ल का खाका या नेट कहते हैं यह मुकाब के नेट कहलाता है नेट या खाका क्या है नेट या खाका किसी ठोस शक्ल को खोलने पर बनने वाला डायग्राम है अब हम ऑरेंज रूप को राइट उदे को टॉप हरे को फ्रंट काले को बेस रानी को बैक और लाल को लेफ्ट नाम देंगे अब एक सवाल गौर से सुनिए कि क्या एक मुकाब का नेट हमेशा ऐसा ही होता है चलिए हम और एक मुकाब लेकर देखते हैं और पहले ऊपर का रुख खोलेंगे और सामने वाला हिस्सा भी दाएं तरफ खोलते हैं और नारंगी ऊदा और हरा तीनों रुख दाएं तरफ खोलते हैं और दो रुख बचे हैं इसमें बैग लाल रुख बाएं बाज़ू खोलेंगे और पीछे वाला पीछे की तरफ खोलेंगे हमें क्या मिला हमें दो अलग अलग नेट मिले हैं चलिए हम उसका ऊपर वाला रुख देखते हैं तो अब हमें यह मालूम हुआ कि ठोस शक्ल का नेट अलग अलग हो सकता है अब हम ये जानते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि एक नेट ठोस शक्ल का नेट किस तरह बनता है हमें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके नेट उतारना तो आसान है पर हम किस तरह हम अपनी कापी में ठोस शक्ल का नेट उतारेंगे चलिए हम आपको आर्किटेक्ट बनाते हैं आप अपनी कापी में नेट किस तरह उतारेंगे आप इसे इमेजिन करके उतार सकते हैं पहले हम सामने वाले से को एफ और पीछे वाले को बी नीचे वाले को डी ऊपर वाले को टी और दाएं बाजू को एल और बाएं बाजू को आर नाम देंगे यहाँ पर पूरे फेसेस को नाम दिए गए हैं अब हम इसका मुकाब मुकाब का नेट बनाते हैं एक रुख को हम सेलेक्ट करेंगे नेट उतारने के लिए डी रुख सही है हमें शुरू करने के लिए हम डी रुख उतारेंगे अब हम सोचते हैं कि ऐसी शक्ल को कैसे खोलें हम उतार सकते हैं आर और टी एक साथ दाएं तरफ आर यहाँ और टी भी इसी के साथ बाद में बाद हमने तीन रुख उतार लिए हैं और बचे हुए तीन रुख जोड़ देंगे हम डी के बचे हुए किनारों को रुख एफ सामने वाले रुख डी के एल रुख डी रुख के बाएं जानब और बी रुख जोड़ेंगे डी रुख के पीछे वाले किनारे को इस तरीके से हम किसी भी शक्ल का नेट उतार सकते हैं और तमाम रुख आ यहाँ पर आ गए हैं आप इस मुकाब का नेट देख सकते हैं यहाँ पर देखिए बच्चों सेहबादी अशकाल को बनाने के लिए खाके मुकाब का खाका अब हम देखते हैं यहाँ पर देखिए आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर हमें एक मुकाब बनता हुआ नजर आ रहा है यहां पर एक खुली हुई शकल है उसे हम क्या कर रहे हैं जोड़कर एक मुकाब बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक मुकाब में कितने रुख होते हैं बच्चों छह रुख होते हैं इसे हम क्या कर सकते हैं इसे जब हम जोड़ेंगे छह मुरब्बे हैं छह मुरब्बों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है एक मुकाब बनता है जब हम उसे खोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा उसका खाका या नेट कहलाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मुकाब का खाका किस तरह नजर आ रहा है यहाँ पर जरूरी नहीं कि मुकाब का खाका इसी तरह का हो हमारे खोलने पर डिपेंड पड़ है हम उसे जिस तरह खोलेंगे जिस साइड से खोलेंगे उसका खाका मुख्तलिफ होता जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मुकाब के कई खाके हैं यहाँ पर देखिए आप तरह के खाके बन सकते हैं एक मुकाब के बच्चों बिल्कुल सही कहा आपने एक मुकाब के ग्यारह नमूने के खाके बना सकते हैं इसी तरह अब हम देखते हैं एक नुमा का यहाँ पर खाका किस तरह बनता है एक नुमा में हमें छह मुस्ततील मिलते हैं जब हम इन्हें खोलते हैं जब हम इसे खोलेंगे तो यह कैसा दिखाई देगा बच्चों इस तरह का दिखाई देगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक तरफ का रुख ये कायदे का रुख और दूसरी तरफ का और एक रुख आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देखिए एक मुकाबनमा में भी छः रुख होते हैं जब छह मुस्ततील होते हैं जब हम उसे खोलते हैं तो हमें इस तरह का दिखाई देता है तो चलिए अब हम देखते हैं मखरूत मखरूत का खाका किस तरह बनता है यहाँ पर देखिए मखरूत में एक दायरा शक्ल होता है और एक यहाँ पर देखिए दायरे का खिता होता है यहां पर देखिए इससे जब हम उसे खोलते हैं मखरूत को तो उसकी शक्ल उसका खाका इस तरह दिखाई देता है तो चलिए अब हम देखते हैं एक इस्तेवाने को एक इस्तेवाने को जब हम खोलेंगे तो हमें देखिए यहाँ पर क्या हासिल हो रहा है दो दायरे और एक मुस्ततील यहां पर देखिए दो दायरे और एक मुस्ततील हासिल हो रहा है जब हम इसे बंद करते हैं तो हमें एक की शकल हासिल होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका खाका किस तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए नीचे वाला एक नीचे का रुख और ऊपर वाला रुख यहाँ पर देखिए ऊपर वाला भी एक दायरा नजर आ रहा है और जब हम उसे खोलेंगे तो दरमियानी रुख हमें कैसा दिखाई देगा एक मुस्तिल नुमा दिखाई देगा चलिए अब हम देखते हैं हरम यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है एक हरम इसमें चार मुसलिस हैं और एक मुरब्बा जब हम इसे खोलते हैं तो हमें क्या मिलेगा इसका खाका हमें किस तरह मिलेगा यहाँ पर देखिए इसका खाका हमें ऐसा मिलता है यहाँ पर देखिए चार मुसलिस हैं और एक मुरब्बा जो इसका कायदा है वो मुरब्बा है और चार मुसलिस हैं यहाँ पर देखिए ये दरमियानी तो एक हरम को जब हम खोलते हैं तो उसका खाका इस तरह दिखाई देता है यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर हमें एक सवाल हल करना है देखिए यहाँ पर खाकों को मुनासिब ठोस अशकाल से मिलाइए यहाँ पर हमें कुछ ठोस अशकाल दी गई हैं ये ठोस अशकाल कौन कौन सी हैं बच्चों एक मुस्त मुकाबनमा है एक इस्तेवाना है और एक मखरूत है और एक हरम है यहाँ पर देखिए इसके कुछ खाके भी दिए गए हैं यहाँ पर खाके कौन कौन से हैं बच्चों यहाँ पर चार खाके दिए गए हैं हमें वो ठोस शक्ल का खाका सही ढूंढ कर उसे जोड़ना है यहां पर देखिए जो पहली शक्ल है मुक्का की शक्ल है इसमें मुस्ततील होते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कौन सी शक्ल में छ मुस्ततील नजर आ रहे हैं देखिए बच्चों सोचिए और बतलाइए बिल्कुल सही कहा आपने हम ऐसे से किसको जोड़ लगाएंगे दो को जोड़ लगाएंगे अब हम देखते हैं बच्चों बी की शकल बी की शक्ल में क्या है एक इस्तेवाने की शक्ल है हमने अभी देखा था एक इस्तेवाने को जब हम खोलते हैं तो उसका खाका किस तरह दिखाई देता है उसमें दो दायरे और एक मुस्ततिल दिखाई देता है तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें इस शकल में कौन सी शक्ल हमें इस्तेवाने की खाका दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही कहा आपने ये कौन सा है बी से हम जोड़ लगाएंगे तीन नंबर को अब हम देखते हैं सी की शक्ल सी की कौन सी शक्ल है बच्चों सी की मखरूत शकल है देखिए यहाँ पर जब हम मखरूत को खोलते हैं तो हमें क्या हासिल होता है बच्चों अभी आपने देखा था उसका खाका देखिए और सोच कर बतलाइए बिल्कुल सही कहा आपने हम सी से किसे जोड़ लगाएंगे चार नंबर को जोड़ लगाएंगे इसमें एक दायरा और दायरे का एक खिता है तो यह क्या है एक मखरूत का खाका है अब डी में कौन सी शक्ल है बच्चों? डी में एक हरम की शक्ल है अभी आपने देखा था हरम की शक्ल को जब हम खोलते हैं तो कैसा दिखाई देता है बच्चों वो? चार मुसलिस होते हैं और उसके बीच में एक मुरब्बा होता है तो यहां पर देखिए देख कर बतलाइए कौन सी शक्ल एक हरम का खाका हो सकती है बिल्कुल सही कहा आपने हम डी से जोड़ लगाएंगे एक नंबर को बिल्कुल सही कहा इसका मतलब बच्चों आपको नेट और खाके समझ में आ गया है तो चलिए बच्चों अब हम होमवर्क यानी कि घर का, का काम देते हैं करोगे ना बच्चों हाँ यहाँ पर देखिए एक सवाल दर्ज जैल सवाल को हल कीजिए यहाँ पर देखिए मुकाब बनाने के लिए यहां नामुकम्मिल खाका दिया गया है इसको कम अज कम दो मुख्तलिफ तरीकों से मुकम्मल कीजिए याद रखिए कि एक मुकाब में छः रुख होते हैं यहाँ खाके में कितने दिए गए हैं तो अलग अलग डायग्राम दीजिए अगर आप चाहें तो आप आसानी के लिए मुरब्बा कागज़ या ग्राफ पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर आपको एक शक्ल दिखाई दे रही है उसमें कितने रुख हैं तीन रुख हैं लेकिन हम एक मुकाब न के जब रुख बनाते हैं तो उसमें कितने रुख होते हैं बच्चों छः रुख होते हैं तो आपको उसका ध्यान रखते हुए हमें इसके जोड़कर हमें क्या बनाना है एक मुकाबनुमा का खाका बनाना है और वो भी दो अलग अलग तरह का खाका बनाना है बनाएंगे ना बच्चों बहुत अच्छे तो चलिए मैं अर्शिया बेगम टीजीटी गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल हमीलापुर तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट बीदर शुक्रिया Hi.